अगर आप आधी रात को उठकर पानी पीते हैं तो ऐसा करने से पहले आप शेर खुदा मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ील्लाहू का फरमान सुन लें और इस बात की तफसील जानने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों आज से चौदह सौ साल पहले साइंस की कोई वजह मौजूद नहीं थी और ना ही कोई ऐसी मशीनरी थी जिससे एक मिनट में ऐसी मोहल्ल बीमारियों के बारे में पता लगाया जाता और उनका इलाज किया जाता कुर्बान जाऊँ मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे हुजूर हजूर अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हमें ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में बताया और उन बीमारियों से शफा हासिल करने का हल भी बताया जिन्हें साइंस आज साबित कर रही है मेरे आका सरकारी मदीना सल सल्ला इल्म का खजाना है और आपका इल्म अता हुआ हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजाल्ला तलाू को एक मरतबा एक आदमी हज़रत अली उलमत रज्ल तहू के पास आया और शिकायत करने लगा कि या अली मैं बहुत परेशान हूँ मुझे रात में नींद ठीक तरह से नहीं आती और जब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे जिसम में शदीद तकलीफ़ हो रही होती है बस ये कहना था उस शख्स का तो हजरत अली रज़ अल्लाह तन उस शख्स से फरमाने लगे कि अगर तुम रात में सो रहे हो और उठकर पानी पीते हो तो ऐसा करना छोड़ दो तुम रात में उठकर पानी पीते हो तो इस बात से तुम्हारे जिस्म में ऐसी बीमारी पैदा हो सकती है जिसका इलाज नामुमकिन है और तुम्हारे जिसम में जो ये दर्द है तकलीफ है और तुम रात को ठीक से सो नहीं पाते हो ये उसी वजह से है उस शख्स ने हजरत अली रज्ला के इस फरमान पर अमल किया वो आधी रात को उठकर पानी पीता था उसने ऐसा करना छोड़ दिया तो उसकी बीमारी ऐसे गायब हुई जैसे कि थी ही नहीं अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी और रात में अब सुकून से सोने लगे और उसके जिस्म का दर्द भी गायब हो गया जो बातें हजरत अली रज्ला तला ने सालों पहले हमें बता दी आज साइंस उन बातों को मान रही है और कह रही है कि पानी को अगर सही वक्त पर ना पिया जाए तो हमारे जिसम में खतरनाक किस्म की बीमारियां हो सकती हैं साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात को सोने से पहले पानी ना पिए क्योंकि उससे ना सिर्फ हमारी नींद खराब होती है बल्कि हमारी सेहत पर भी उसका असर होता है जब हम रात में सो रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे गुर्दों के काम की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ जाती है इनका काम शुरू हो जाता है जब हम उठकर पानी पीते हैं तो हम अपने गुर्दों पर यानी किडनीज पर एक भारी भरकम वजन डाल रहे होते हैं जिसकी वजह से ये होता है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे मुंह पर सोजन होती है हमारा फेस सहेल हो जाता है जो इस बात की इंडिकेशन दे रहा होता है कि हमारे गुर्दों में अब तकलीफ शुरू हो चुकी है और आधी रात को पानी पीने की वजह से हमारी नींद भी खराब होती है नींद पूरी ना होने की वजह से हमारे जिस्म में सुबह दर्द होता है हमारे लिए छह से आठ घंटे की नींद बहुत जरूरी है अब सवाल ये उठता है कि अगर रात में प्यास लगे तो क्या पानी ना पिए इसका जवाब डॉक्टर हमें यूं देते हैं के दिन भर में अपनी पानी की कमी को पूरा कीजिए कम से कम आठ से दस गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए और जो भी इससे ज्यादा पानी पिए तो यह उसके लिए और भी मुफीद है लंदन के एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पानी को उसके सही वक्त पर पीते हैं तो हम एक महीने में अपना वजन भी कम कर सकते हैं जैसे सुबह निहार मुंह दो गिलास पानी पीने से हमारा जिस्म एक्टिव हो जाता है खाना खाने से 30 मिनट यानी आधा घंटा पहले अगर हम पानी पी लेते हैं तो हमारा खाना जल्द हजम हो जाता है और अगर हम सोने से कुछ देर पहले आधा गिलास पानी पी लें तो इससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सकता है इसके अलावा पानी हमारे ब्लड को पतला करता है हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है हमारे गुर्दों को भी साफ करता है तो मेरे प्यारे साथियों हम सबको नबी करीम सल वसलम और उनके सहाबा कराम रिजवानल के सुन्नतों और उनकी बताई गई बातों पर अमल करना चाहिए इससे हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बाक्स में कमेंट्स भी जरूर किया करें आपके लाइक्स और कमेंट्स जब हम देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और आप हमारी इस मालूमती वीडियो को दूसरे दोस्तों अहबाब के साथ भी जरूर शेयर कीजिए उनको भी ये बात बताइए जजाकल्ला खैरा असल वरहमतुल्ला वर्कात